साबिक खातून अव्वल की सहेली फरा गुज्जर ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए और उनके शोहर ने 2 करोड़ रुपए बख्शवा लिए। एहसन जमील गुज्जर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों गैर सियासी हैं। शाहजेब खानजादा ने उन्हें शहबाज गिल का ट्वीट याद दिलाया कि फरा गुज्जर PTI के रुकन हैं। खुद एहसन जमील जिला काउंसिल के चेयरमैन रहे। एहसन जमील ने कहा कि वो 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान आकर तहकीकात का सामना करेंगे। इंक्वायरी को फेस करने के लिए हम दोनों हाजिर हैं, इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स पाकिस्तान में होंगे। आपके असासे जस्टिफाइड हैं तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी अहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई उसमें से जो चीजें मेरे हिस्से में आई, जो चीजें हमने आपस में तकसीम की, फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एमनेस्टी हमने ली वो लीगल थी लेना। अगर गुज्जर साहब पॉलिटिकली एक्सपोज लोग नहीं ले सकते थे एमनेस्टी, आपकी अहलिया पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उनके पास बताएं कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट या कोई मशीर या वजीर या कोई कुछ नहीं है। वो कवरिंग कैंडिडेट थी 2021 में और शहबाज गिल ने ट्वीट किया उनके लिए कि फरा बीबी PTI का हिस्सा है, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव है, वो रुकन है जरूर है जमात की। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे थे गुज्जर साहब आप? जी बिल्कुल रहा हूँ मैं चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बिला मुकाबला चेयरमैन हुआ था। अच्छा, तो आप खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, आप नहीं ले सकते थे एमनेस्टी स्कीम? आपने एमनेस्टी ली, आपकी अहलिया ने एमनेस्टी ली, मगर सिर्फ असासे जो हैं उन दोनों के नहीं बड़े हैं, आपके वालिद साहब के भी बड़े हैं। आप ईमानदारी से बताएं आपके भी बड़े हैं कि नहीं? जिस तेजी से पैसा डिवैल्यू हो रही है सबके बड़े हैं। पाकिस्तान में किसी से भी पूछ ले, तहरीक इंसाफ के दौर में 4 गुना से मल्टीप्लाई मेरा नहीं ख्याल किसी के भी हुए हैं, मेरे भी नहीं हुए, आपके हुए और आप ही ने एमनेस्टी ली है, मैंने नहीं लिए। फरा बीबी को आप क्यों ला रहे हैं? मैंने उनका नाम लिया। तो फिर फरा बीबी को देना चाह रहे थे, वो इतनी सारी जमीन फलाई इदारे के लिए वो चलाती, फरा बीबी उनका ताल्लुक था। अपनी आवाज नीचे रखे, आप गुस्से ना हो गुजर साहब, गुस्से ना हो, मुझे सिर्फ जवाब दे दीजिए, क्या वो फरा बीबी के साथ काम करना चाह रहे थे या फरा बीबी के पीछे कोई और था जिसके साथ वो काम करना चाह रहे थे, इतनी सारी जमीन को दे रहे थे? कोई नहीं था फरा बीबी के पीछे, कोई नहीं था, मैं हूँ फरा बीबी के पीछे।